टुडेज सेशन इज बेस्ड ऑन वोकैबुलरी. वोकैबुलरी के बारे में आपको बताया जाएगा. सबसे पहले जो बेसिक बातें हैं वो आपको समझनी है. वोकैबुलरी कहते किसे हैं? वोकैबुलरी मींस द बॉडी ऑफ वर्ड्स. वर्ड्स की बॉडी को वोकैबुलरी कहा जाता है जो एक पर्टिकुलर लैंग्वेज में यूज होती है. इन ए वे आप कह सकते हैं स्टोर ऑफ वर्ड्स, शब्दों का खजाना. शब्दों का खजाना जो है वो कहलाता है वोकैबुलरी. और हम वोकैबुलरी का इस्तेमाल लैंग्वेज को यूज़ करने में करते हैं. शब्दों को सुनते हैं, शब्दों को बोलते हैं, शब्दों को पढ़ते हैं, शब्दों को समझते हैं. LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, इन चारों विधाओं में वर्ड्स की ज़रूरत पड़ती है. आपको लिखना है तो वर्ड्स की ज़रूरत है, आपको बोलना है तो वर्ड्स की ज़रूरत है, आप पढ़ते हैं वर्ड्स को और आप सुनते हैं वर्ड्स को. तो बगैर शब्दों के लैंग्वेज अधूरी रह जाती है. हालांकि शारीरिक भाषा भी होती है, बॉडी लैंग्वेज भी होती है, लेकिन ह्यूमन बीइंग्स इफेक्टिवली कम्युनिकेट वर्बल लैंग्वेज और नॉन वर्बल लैंग्वेज दोनों के मिश्रण से कर सकते हैं. ये बहुत ही मुश्किल है कि आप पूरे दिन बात करते रहें सिर्फ इशारों इशारों में या शारीरिक भाषा के माध्यम से. शब्दों की भी ज़रूरत पड़ती है लैंग्वेज को इफेक्टिव बनाने के लिए. वर्ड्स भी ज़रूरी हैं और शारीरिक भाषा भी ज़रूरी है. इसके अलावा पैरा लैंग्वेज और स्पेस लैंग्वेज भी होती है, वो आपको मैंने बताया था पहले. लेकिन शब्दों का बहुत बड़ा रोल है, वर्ड्स का बहुत बड़ा रोल है एक लैंग्वेज में. अब हम ये बात करते हैं कि वोकैबुलरी बिल्ड कैसे होती है. वोकैबुलरी को बिल्ड करने का तरीका क्या है? आप जितना ज़्यादा पढ़ेंगे, जितना ज़्यादा सुनेंगे, जितना ज़्यादा लिखेंगे, जितना ज़्यादा बोलेंगे, आपका अटेंशन वोकैब की तरफ जाएगा. पढ़ेंगे तो नए वर्ड्स मिलेंगे, जितना पढ़ेंगे उतने नए वर्ड्स सामने आएंगे, जितना सुनेंगे उतने नए नए वर्ड सुनने को मिलेंगे, और जितना लिखेंगे तो लिखते वक्त भी आप कहीं ना कहीं सोचेंगे कि मैं अलग अलग तरीके के शब्दों का प्रयोग करूं और अलग अलग सिचुएशंस में अलग अलग टॉपिक्स पे अलग अलग वर्ड्स की ज़रूरत पड़ती है. तो रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग और लिसनिंग, इन सब के ज़रिए आप वोकैबुलरी पर काम कर सकते हैं. ये रिच वोकैबुलरी की ज़रूरत क्यों है? व्हाई इट इज़ नीडेड, इसकी ज़रूरत क्यों है? ए गुड वोकैबुलरी हेल्प्स अस अंडरस्टैंड व्हाट अदर पीपल्स आर सेइंग एंड व्हाट वी आर रीडिंग. रीडिंग पॉसिबल है जब ही जब आपको वर्ड्स की नॉलेज है. आप कुछ रीड कर रहे हैं, आप उसको समझ नहीं पाएंगे अंटिल एंड अनलेस आपको वर्ड्स का मीनिंग पता ना हो. अगर वर्ड्स का मीनिंग मालूम है आपको, यू कैन अंडरस्टैंड इट. सेम वे लोग क्या कह रहे हैं इसको भी समझना पॉसिबल जब ही है जब आपको वर्ड्स के मीनिंग्स पता हों. अगर वर्ड्स के मीनिंग्स नहीं पता हैं तो लोगों ने जो कहा है वो आपके समझ में आसानी से नहीं आएगा. तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, वोकैबुलरी इसलिए होनी चाहिए क्योंकि वोकैबुलरी हमें हेल्प करती है, वर्ड्स हमें हेल्प करते हैं समझने में लोगों को कि लोग क्या कह रहे हैं, और पढ़ने में भी. इट गिव्स अस द एबिलिटी टू आर्टिकुलेट क्लियरली व्हाट वी मीन. हम क्या कहना चाहते हैं, अपने वर्ड्स को आर्टिकुलेट कैसे करें, एक्सप्रेस कैसे करें, अपनी बातों को कैसे लोगों तक रखें, ये कला, ये आर्ट, ये एबिलिटी हम तभी लर्न कर सकते हैं जब हमें वर्ड्स की नॉलेज हो. अगर हमें वर्ड्स का नॉलेज नहीं होगा तो हम अपनी बात को अच्छे अंदाज में ढंग से लोगों के समक्ष नहीं रख पाएंगे. तो इट क्रिएट्स एन एबिलिटी, ये एक एबिलिटी क्रिएट करती है. वोकैबुलरी नॉलेज बूस्ट आर एबिलिटी टू ग्रेस्प आइडिया एंड थिंक मोर लॉजिकली. आइडियाज को पिक करने के लिए, ग्रेस्प करने के लिए और लॉजिकली सोचने के लिए भी वोकैबुलरी की ज़रूरत होती है. वर्ड्स की ज़रूरत वहाँ भी पड़ती है जब हमें अपनी नॉलेज को बूस्ट करना है, अपनी नॉलेज को स्ट्रॉन्ग करना है. आप कोई भी बुक पढ़ेंगे, बहुत सारी बुक ऐसी होती हैं जो टेक्निकल बुक्स होती हैं, उन टेक्निकल बुक्स को आप समझ नहीं पाएंगे अंटिल एंड अनलेस आपको टेक्निकल वर्ड्स के बारे में पता ना हो.
फॉर एग्जाम्पल आप इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं इन्फ्लेशन डिफ्लेशन, तो इन्फ्लेशन डिफ्लेशन आपके समझ में नहीं आएगा अंटिल अनलेस उसका मीनिंग आपको पता हो। तो मीनिंग जब तक नहीं पता होगा, वर्ड्स की नॉलेज नहीं होगी, आप समझ नहीं पाएंगे। हैविंग ए रिच वोकैबुलरी हेल्प्स अस कम्युनिकेट इन ए मोर एंगेजिंग वे। आप बहुत कनेक्टिविटी के साथ, एंगेजिंग वे में कनेक्टिविटी के साथ अपनी बात को पुख्ता तरीके से रख सकते हैं, ढंग से रख सकते हैं, एक बॉन्ड बना सकते हैं। अगर आपके पास वोकैबुलरी अच्छी है, शब्द अच्छे हैं, तो बॉन्डिंग बड़ी अच्छी बना सकते हैं आप रीडर्स के साथ या लिसनर्स के साथ, लिखने के सेंस में रीडर्स के साथ, बोलने के सेंस में लिसनर्स के साथ। इट हेल्प्स अस मेक ए गुड इंप्रेशन ऑन अदर्स। और लैंग्वेज जो है वो एक बहुत बड़ा काम करती है लोगों को इंप्रेस करने में। अगर आपकी भाषा शैली बहुत अच्छी है, बोलने का अंदाज बहुत अच्छा है, बोलने के अंदाज के जरिए आप लोगों को इंप्रेस कर सकते हैं। हमारे पास बहुत सारे उदाहरण हैं, बोलने के अंदाज की वजह से लोग खींचे चले आते हैं, चाहे वो बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर्स हों। आप बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर्स की बात देख सकते हैं, तो उनके बोलने का अंदाज जो है उस वजह से लोग उनकी तरफ खींचे चले आ रहे हैं। तो जितना आपका लैंग्वेज पे कमांड होगा, शब्दों पे कमांड होगा, उतना आप प्रभावशाली तरीके से अपनी बात रख पाएंगे और लोगों को इम्प्रेस कर पाएंगे। अब कौन से वर्ड्स हमें सीखने हैं, ये बात आती है। कौन कौन से वर्ड्स ऐसे हैं जो हमें सीखने चाहिए, हमारे को उसकी नॉलेज होना चाहिए। सबसे पहले वर्ड्स दैट आर इम्पॉर्टेंट टू द सब्जेक्ट्स वी आर स्टडिंग। जो सब्जेक्ट्स आप पढ़ रहे हैं उन सब्जेक्ट से रिलेटेड वर्ड्स आपको मालूम होने चाहिए। अभी मैंने इन्फ्लेशन डिफ्लेशन का जिक्र किया। आप जो भी सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं उनके कुछ टेक्निकल टर्म्स होते हैं, वो टेक्निकल टर्म्स की नॉलेज अगर आपको नहीं है तो आप उन सब्जेक्ट्स को कभी भी समझ नहीं सकते। सब्जेक्ट्स को समझने के लिए टेक्निकल वर्ड्स की नॉलेज होना जरूरी है। इस तरीके के शब्द आपके खजाने में होने चाहिए। वर्ड्स दैट वी हियर और रीड, जो शब्द हम पढ़ते हैं, जो शब्द हम सुनते हैं, उसकी भी नॉलेज होनी चाहिए। हम जो भी सुने, फॉर एग्जाम्पल कोई बंदा किसी शब्द का प्रयोग करता है, किसी वर्ड का यूज करता है जिसका मीनिंग आपको नहीं पता है, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है उसी वक्त कि आप उस शब्द का मीनिंग जाने। अगर उस शब्द का मीनिंग आप नहीं जानते हैं तो उस वक्त जो मैसेज मिला है वो तो आपको समझ में आएगा ही नहीं। लेकिन आप एक बात और सोचें कि अगर सेकेंड टाइम किसी और मौके पर उसी शब्द का अगर प्रयोग किया गया तो वहां भी वो समझ में नहीं आएगा। तो जिस वक्त डिफिकल्ट वर्ड आपके सामने आ जाए, फौरन उसका मीनिंग जानने की कोशिश करें और उसका मीनिंग जान करके उसको समझें। तो वर्ड्स जो आप सुनते हैं, जो आप पढ़ते हैं, उनकी नॉलेज। वर्ड्स वी नो वी विल वॉन्ट टू यूज रेगुलरली, रेगुलरली जो हम शब्दों का यूज करते हैं उनका भी हमें पता रहना चाहिए। जो आम भाषा में वर्ड्स यूज होते हैं उनकी भी नॉलेज होनी चाहिए। अब आम और खास में क्या फर्क है, कॉमन वर्ड्स कौन से कहलाते हैं, जो आपको आते हैं वो आपके लिए कॉमन है। जनरली यही होता है, जो शब्द मुझे आता है मैं कहूंगा इट इज वेरी कॉमन फॉर मी, आई नो इट। और जो मुझे नहीं आता है वो चाहे कितना भी इजी क्यों ना हो, बहुत इजी हो सकता है, वो बहुत सिंपल वर्ड हो सकता है, लेकिन क्योंकि मुझे वो आता है तो मेरे लिए कैसा हो गया, कॉमन हो गया। नहीं आता है तो अनकॉमन हो गया। भले आपके सारे फ्रेंड्स को उस वर्ड का मीनिंग पता हो, आपको नहीं पता है तो आपके लिए वो अनकॉमन है। इफ यू नो द मीनिंग ऑफ दैट वर्ड तो आपके लिए वो कॉमन है। तो जो वर्ड्स हम रेगुलर बेसिस पे यूज करना चाहेंगे या करते हैं उनकी भी नॉलेज हमें होनी चाहिए, उनके बारे में भी हमें पता होना चाहिए। वोकैबुलरी आपकी तभी रिच हो सकती है जब आप पढ़ें भी ध्यान से, सुने भी ध्यान से, लिखें भी ध्यान से, और क्या, LSRW, लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग एंड राइटिंग, ये जब आप ध्यान से करेंगे तो डेफिनेटली आपके सामने कई सारे वर्ड्स आएंगे जिनका मीनिंग आपको नहीं पता होगा और उन वर्ड्स का
आपको मीनिंग जानना है, जब आप उसको जानेंगे तो डेफिनेटली आपकी वोकैबुलरी जो है वो बिल्ड होगी, रिच होगी। अब देखिए टाइप्स ऑफ वोकैबुलरी, किस तरीके की वोकैबुलरी आपको यूज करनी है, रादर किस तरीके की वोकैबुलरी आपको आपकी ग्रिप में होनी चाहिए, या हम ये कहें कि वोकैबुलरी के टाइप्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले क्या है, लिसनिंग वोकैबुलरी, जो हम सुनते हैं और समझते हैं। दिस टाइप ऑफ वोकैबुलरी रेफर्स टू द वर्ड्स वी हियर एंड कॉम्प्रीहेंड। मोस्ट एडल्ट्स कैन आइडेंटिफाई एंड कॉम्प्रीहेंड ऑलमोस्ट 50,000 वर्ड्स, ऑलमोस्ट 50,000 वर्ड्स। तो लिसनिंग वोकैबुलरी, सेकंड स्पीकिंग वोकैबुलरी, जो हम बोलते वक्त वोकैबुलरी यूज करते हैं, एक वो टाइप है उसका। रीडिंग वोकैबुलरी, जब हम पढ़ते हैं तो बहुत सारे वर्ड्स के वर्ड्स हम किस हमारे सामने आते हैं, इंट्रोड्यूस होते हैं, वो रीडिंग वोकैबुलरी का पार्ट होता है। और लिखते वक्त भी हम वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं तो वो राइटिंग वोकैबुलरी हो जाती है। मैं बार बार एम्फेसाइज कर रहा हूं LSRW पर, लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग एंड राइटिंग। लिसन केयरफुली, रीड केयरफुली, राइट केयरफुली एंड स्पीक केयरफुली। इनमें सब में केयरफुली वर्ड लगा दीजिए, स्पीक केयरफुली, रीड केयरफुली, लिसन केयरफुली एंड रीड स्पीक केयरफुली। जब आप ऐसा करेंगे डेफिनेटली आपके सामने कुछ वर्ड्स जब आएंगे तो उनका मीनिंग आप जानने की कोशिश करेंगे। एंड व्हेन यू कम टू नो द मीनिंग ऑफ दोज वर्ड्स, यू विल एनहेंस योर वोकैबुलरी पार, आपका जो खजाना है वर्ड्स का वो भरता चला जाएगा। देखिए ओरल और रिटन, अगर इसको हम सब कैटेगराइज करें तो एक ओरल वोकैबुलरी होती है और एक रिटन वोकैबुलरी होती है। राइटिंग करते वक्त भी आप वोकैबुलरी का यूज करते हैं और बोलते वक्त भी आप वोकैबुलरी का यूज करते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ज्यादातर जो आपके क्वेश्चंस आने वाले हैं वो यहीं से आने वाले हैं। आपको पता होना चाहिए सिनोनिम्स, फॉरेन वर्ड्स क्या होते हैं, कॉनोटेशंस क्या होता है, डी कॉनोटेशंस क्या होता है, एंटोनिम्स क्या होते हैं, ये सब पता होना चाहिए। इफेक्टिव वेज टू बिल्ड वोकैबुलरी, देखिए वोकैबुलरी आप बिल्ड जब भी कर सकते हैं अच्छे से जब आपको पता हो सिनोनिम्स क्या होते हैं, एंटोनिम्स क्या होते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, कॉनोटेशन क्या होता है। तो इसके बारे में मैं आपको अब बताऊंगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का जो अब शुरू हो रहा है, ये आपको जानना बहुत जरूरी है। व्हाट आर सिनोनिम्स, सिनोनिम्स किसे कहते हैं, सिमिलर वर्ड्स को। यहां एक बात ध्यान रखिएगा, सिनोनिम्स आर नॉट एग्जैक्टली द सेम, माइंड इट, सिनोनिम्स आर नॉट एग्जैक्टली द सेम। सिमिलर होना एक अलग बात है और एग्जैक्टली सेम होना एक अलग बात है। हो सकता है दो वर्ड्स 99% एक जैसे हो, बट 1% द वर्ड बिकम्स डिफरेंट। ये आप सीखोगे आज, कुछ वर्ड्स मैं आपको जब बताऊंगा यू विल कम टू नो कि कैसे मीनिंग डिफर कर जाता है। ओके, सो सिनोनिम्स के बारे में ये फैक्ट आपको पता रहना चाहिए। मैंने क्या बोला, सिनोनिम्स refer to similar words but not exactly the same, not exactly the same, is that clear? I give you an example here, halanki bahut sare example aapke samne aayenge. There is a word that is change and there is a word that is alter, alter, dono synonyms hain। लेकिन अगर आप मुझसे पूछेंगे कि सर आर दे एग्जैक्टली द सेम, आई वुड से नो, सिमिलर हैं बट एग्जैक्टली सेम नहीं है। चेंज कम्स इन प्रोसेस, ऑल्टरेशन इज क्विक।
ऑल्ट्रेशन इज क्विक. जैसे ट्रांसफॉर्मेशन आप बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन अलग है और चेंज अलग है. सो एग्जैक्ट मीनिंग नहीं है, सिमिलर मीनिंग है, एग्जैक्ट नहीं है. अभी आप आगे बहुत सारे वर्ड्स आपके सामने आएंगे जो आप जानेंगे वहां पर कि कैसे अलग हो जाता है मीनिंग. अब हम बात करते हैं फॉरेन वर्ड्स की. कुछ ऐसे वर्ड्स हैं अलग अलग लैंग्वेज के, जैसे लैटिन लैंग्वेज के वर्ड्स हैं, ग्रीक लैंग्वेज के वर्ड्स हैं, राइट, फ्रेंच लैंग्वेज के वर्ड्स हैं, जो हम इंग्लिश में यूज करते हैं. मॉडस ऑपरेंडी, ये सुना है आपने टर्म, सुना है? द टर्म इज व्हाट? मॉडस ऑपरेंडी. मॉडस ऑपरेंडी, समथिंग विच इज क्रूशियल, जो किसी कंसेप्ट का, किसी बात का मेन पॉइंट है, उसको मॉडस ऑपरेंडी कहते हैं. ये एक लैटिन टर्म है जो हम इंग्लिश में भी यूज करते हैं. आई गिव यू एन एग्जाम्पल, क्लियर? ऐसे और भी वर्ड्स हैं, जैसे एक वर्ड है वोयाज, इसको क्या बोलते हैं? समुद्री यात्रा. ये वर्ड एक्चुअल में कहां से आया है, हालांकि इंग्लिश में अडॉप्टेड है, लेकिन इसका ओरिजिन जो है वो फ्रेंच लैंग्वेज से है. ये फ्रेंच लैंग्वेज का वर्ड है जो हमने इंग्लिश में एक्सेप्ट किया है. तो ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं, मैं अभी तमाम वर्ड्स हैं वो आपको बताऊंगा आगे जहां जरूरत पड़ेगी. वैसे फॉरेन वर्ड्स के बारे में इसमें इतना कुछ है नहीं आपके सिलेबस में, बट इफ यू वांट टू नो तो मैं आपको बहुत सारे वर्ड्स ऐसे दूंगा जो आप जान पाओगे कि वो वर्ड्स हमने इंग्लिश में एक्सेप्ट किए, हालांकि वो वर्ड्स लैटिन लैंग्वेज या फ्रेंच लैंग्वेज या इटालियन लैंग्वेज के. इसके बाद आता है कॉनोटेशन. व्हाट डू यू मीन बाय कॉनोटेशन? कॉनोटेशन, वर्ड्स दैट क्रिएट एन आइडिया, शब्द जो एक आइडिया क्रिएट करते हैं या एक फीलिंग क्रिएट करते हैं सुनने के बाद या पढ़ने के बाद. कहने का मतलब यह है कि एक पर्टिकुलर वर्ड है और वो वर्ड आपके सामने क्या करता है, एक फीलिंग क्रिएट करता है, एक आइडिया क्रिएट करता है, उसको कहते हैं कॉनोटेशन. मैं इसके एग्जांपल देता हूं. एक वर्ड है, बहुत इजी वर्ड, डॉग. डॉग, आई हैव अ डॉग. और एक कोई बंदा कहता है आई एम वर्किंग लाइक ए डॉग, वर्किंग लाइक ए डॉग. अब वर्किंग लाइक ए डॉग का मतलब क्या हुआ? वो बंदा डॉग नहीं हुआ. वर्किंग लाइक ए डॉग का मतलब यह हुआ कि वो बेहद बेहद एक हद से पार वाली एफर्ट, एक हद से पार वाली मेहनत कर रहा है. वर्किंग लाइक ए डॉग. जैसे हम स्नेक वर्ड यूज करते हैं, तो स्नेक वर्ड आपने देखा है कई जगह कैसे यूज होता है. स्नेक, स्नेक का दूसरा मीनिंग क्या निकाल सकते हो आप इसमें, क्या कॉनोटेशन बनता है इसका? सीक्रेटली. डोंट एक्ट लाइक स्नेक्स. स्नेक क्या करता है, बड़ी जल्दी से अपना रास्ता बना लेता है. एक वर्ड है लव. अब देखिए इसका कॉनोटेशन, आई लव यू, इसका कॉनोटेशन देखिए आप. आई लव यू का कॉनोटेशन देखिए आप. यहां लव वर्ड जो है, अगर ये आई लव यू एक्स सिचुएशन में एक लड़का एक लड़की से बोले तो इसका मीनिंग कुछ और हो जाता है, और यही आई लव यू जब अपनी मदर से बोले तो वहां फीलिंग दूसरी हो जाती है. वहां मातृत्व प्रेम आ जाता है. उस लव वर्ड को आप अलग अलग सिचुएशन में जब डालेंगे डिफरेंट फीलिंग जनरेट हो जाएगा. समवेयर इट इज कनेक्टेड टू रोमांटिसिज्म, समवेयर इट इज कनेक्टेड टू
maybe dedication. Somewhere it is connected to maybe a feeling which have some kind of ownership. Alag alag bhav, alag alag feeling, alag alag situation mein aa jati hai. That's connotation. Is that clear? Acha, ek baat aur hai yahan samajhna, bahut zaruri hai ki sometimes words kya hote hain, negative sound karte hain, sometimes positive sound karte hain. Connotation negative bhi ho sakta hai, connotation positive bhi ho sakta hai. जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं, सिनोनिम्स के थ्रू ही एग्जाम्पल देता हूं. एक वर्ड है गेज. वर्ड क्या है? गेज. और इसका सिनोनिम है स्टेयर. दोनों का एक ही मीनिंग है, दोनों का एक ही मीनिंग है, लेकिन अगर इसके पीछे जो फीलिंग है उसको आप चेक करोगे तो आप दोनों में डिफरेंस पाओगे. गेज पॉजिटिव कॉनोटेशन है और स्टेयर नेगेटिव कॉनोटेशन है. स्टेयर का हिंदी मीनिंग होता है घूरना. घूरना इज नॉट ए गुड थिंग. और गेज का मतलब होता है टू लुक एट समवन. टू लुक एट, देखना. देखना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन घूरना बुरी बात है. और घूरना भी एक प्रकार का देखना है. तो स्टेयर हैज नेगेटिव कॉनोटेशन एंड गेज हैज पॉजिटिव कॉनोटेशन. एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है. अब इसके बाद वी हैव एंटोनियम्स. जैसे मैंने सिनोनिम्स के बारे में आपको बताया था बेटा, एग्जैक्टली सेम नहीं होते हैं, वैसे ही एंटोनियम्स के बारे में भी है. एग्जैक्टली सेम हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं. यहां दोनों बातें हैं. एंटोनियम्स कैन बी एग्जैक्टली द सेम, कैन नॉट बी एग्जैक्टली द सेम. मगर क्या है, ऑपोजिट होना और ऑपोजिट साउंड करना, दो बातें. जब मैंने आपको बट का यूज बताया था कनेक्टर्स में, तो क्या बात बताई थी आपको? बट का यूज हम कब करते हैं? In the opposite sense. I didn't say with the opposites. Opposite sense. Meaning, completely opposite भी हो सकता है और completely opposite नहीं भी हो सकता है. Clear? Collocations. वो words जो साथ में use होते हैं. जैसे आप एक word मैं आपको देता हूं, deep. डीप वर्ड के साथ आप कितने वर्ड्स यूज कर सकते हो? कम ऑन टेल मी. या डीपली कर लीजिए, जैसे डीप कर लीजिए या डीपली कर लीजिए. कौन कौन से वर्ड्स यूज कर सकते हो? बहुत सारे वर्ड्स यूज कर सकते हो. डीपली सैड, बोलिए. डीपली सैड, डीपली, डीपली रेड. ओके, और डीप में जाएंगे तो डीप वाटर और डीप बैटरी भी बोलते हैं. डीप बैटरी, ये वर्ड डीप आप कई सारे वर्ड्स के साथ यूज कर सकते हैं. उसी तरीके से स्ट्रॉन्ग वर्ड भी हम बहुत सारे वर्ड्स के साथ यूज कर सकते हैं, लाइक स्ट्रॉन्ग इमोशन, स्ट्रॉन्ग विल पावर, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, स्ट्रॉन्ग करेज. ऐसे वर्ड्स जो हम ग्रुप में यूज करते हैं वो कहलाते हैं कॉलोकेशंस. क्लियर? दोज वर्ड्स आर नोन एज कॉलोकेशंस. ईडियम्स, ईडियम्स क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट हैव ए मीनिंग डिफरेंट फ्रॉम देयर लिटरल मीनिंग. जो उनका डिक्शनरी से मीनिंग है वो मीनिंग कुछ और है, और जब हम उसको idioms में यूज करते हैं तो उसका मीनिंग कुछ और बन जाता है. जैसे एक idiom है, ए ब्लैक शीप. अब ब्लैक शीप का मीनिंग अगर डिक्शनरी के हिसाब से देखोगे तो क्या होगा? काला भेड़िया. लेकिन idiom में इसका लैंग्वेज, idiom में इसका मीनिंग क्या है? idiom में इसका मीनिंग है ए मीन पर्सन, मीन, सेल्फिश.
क्रोकोडाइल टीयर्स, मगरमच्छ के आंसू। अब डिक्शनरी के हिसाब से ये मगरमच्छ के आंसू हैं, लेकिन ईडीएम के हिसाब से आर्टिफिशियल आंसू हैं, बनावटी रोना, क्रोकोडाइल टीयर्स। कुछ लोगों के अनियन टीयर्स भी आ जाते हैं, क्रोकोडाइल टीयर्स, अनियन टीयर्स। फ्रेजल वर्ब्स, जब हम वर्ब में कई सारे वर्ड्स को यूज करके फ्रेज बनाते हैं तो वो फ्रेजल वर्ब्स कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक वर्ड है कम होम, रादर फ्रेज है कम होम। अब कम होम का मतलब, टू कम होम का मतलब क्या हुआ? घर आना। फ्रेज में इसका मीनिंग है जीतना, टू विन, टू विन। राइट, क्या है इसका मीनिंग? टू विन। इस तरह के जो बहुत सारे वर्बल फ्रेजेस हैं जो हमें अलग मीनिंग देते हैं, वहां वर्ड्स के हिसाब से मीनिंग चेक नहीं करना है, फ्रेज का अपना एक अलग मीनिंग है। जैसे कम ओवर है, कम ओवर विजिट के लिए यूज होता है, कम ओवर, कम ओवर विजिट के लिए यूज करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे वर्ब के फ्रेजेस हैं जो अलग मीनिंग प्रोड्यूस करते हैं, वहां लिटरल मीनिंग नहीं आता है, आप डिक्शनरी के अकॉर्डिंग मीनिंग नहीं लेते। इज इट क्लियर? चलिए, सर्टेन पॉइंट्स आर देयर जिनका आपको ध्यान रखना होगा अपनी वोकैबुलरी को एनरिच करने के लिए, बेटर करने के लिए। बी अवेयर ऑफ वर्ड्स। आप जब गली मोहल्ले में घूमते हैं, जाते हैं, तो आपने कई जगह टैग लगा हुआ देखा होगा, बी अवेयर ऑफ डॉग्स, बी अवेयर ऑफ डॉग्स, बी अवेयर ऑफ डॉग्स, कुत्तों से सावधान रहें। यहां पर बात यह हो रही है कि आप वर्ड्स में भी अवेयर रहें। कहां अवेयर रहें? जो सुन रहे हैं उन वर्ड्स के लिए अवेयर रहें, जो लिख रहे हैं उनके लिए अवेयर रहें, जो पढ़ रहे हैं उनके लिए अवेयर रहें, जो बोल रहे हैं उनके लिए अवेयर रहें। डू नॉट अवॉइड वर्ड्स दैट आर फॉरेन और न्यू टू यू। जो नए वर्ड्स हैं उनको अवॉइड ना करें कभी भी। यार ये तो नए वर्ड्स हैं, छोड़ो, उनको क्या करना है। जो भी वर्ड्स आपके सामने आते हैं उनका मीनिंग आपको पता होना चाहिए। जितना ज्यादा आप उस पर काम करेंगे इस तरीके से, आपकी वोकैबुलरी एनहेंस होती जाएगी। रीड वॉरिशियसली, और पढ़ें किस तरीके से? बिल्कुल तन्मयता के साथ, विद अ लॉट ऑफ कंसंट्रेशन। कुछ भी पढ़ें तो एकदम कंसंट्रेट करके पढ़ें। जहां भी जरूरत पड़े डिक्शनरी उठा लें और डिक्शनरी में मीनिंग चेक कर लें। आपको लगता है कि कोई वर्ड है उसका मीनिंग आपको नहीं पता है, इमीडिएटली उसका मीनिंग निकालें, क्या मीनिंग है। और आजकल तो बड़ा आसान है, मोबाइल आपके पास रहता है, मोबाइल में मीनिंग चेक कर ले, आपको पता लग जाता है कि उस वर्ड का मीनिंग क्या है, और फिर उस वर्ड को मेमोराइज करें। राइट, मेंटेन ए जर्नल। यहां पर मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप कोई जर्नल परचेज कर लें या कोई मैगजीन ले लें, बल्कि आप एक जर्नल अपना बनाएं। आपके पास पॉकेट डायरी हो सकती है, पॉकेट डायरी बहुत बढ़िया रहती है, छोटी डायरी आपके पॉकेट में हर वक्त रहेगी। जब कभी जहां कहीं भी आपको कोई नया वर्ड मिलता है, इमीडिएटली उस पर नोट कर दीजिए, एक जर्नल अपना तैयार कीजिए। कुछ भी पढ़ते हैं, कोई वर्ड आपको टफ नजर आता है, नोट कर लीजिए। कई बार ऐसा होता है कि आप पढ़ रहे हैं तो बार बार डिक्शनरी नहीं उठाना चाहते, यू डोंट वांट टू पिक अप द डिक्शनरी अगेन एंड अगेन। सो एट दैट मोमेंट व्हाट यू कैन डू, यू कैन जॉट डाउन ऑल दोज डिफिकल्ट वर्ड्स इन योर डायरी, एंड लेटर ऑन यू कैन कम टू नो द मीनिंग ऑफ दोज वर्ड्स बाई कंसल्टिंग द डिक्शनरी। सो दैट वे यू कैन डू इट। यूज अ डिक्शनरी। अब यहां ये बहुत जरूरी है समझना कि आप अभी क्या है, आजकल डिक्शनरी भी बहुत अजीबोगरीब आती हैं, तो जरा डिक्शनरी का सिलेक्शन भी बड़े ध्यान से करें, क्योंकि कई डिक्शनरी ऐसी हैं जहां पर आपको सारे वर्ड्स नहीं मिलते हैं, और कई डिक्शनरी ऐसी भी हैं जहां पर आपको प्रोनंसिएशन प्रॉपर नहीं दिया होता है, कई डिक्शनरी में आपको कॉन्टेक्स्ट प्रॉपर नहीं दिया होता है। तो डिक्शनरी, अच्छी डिक्शनरी यूज़ करें, और बेहतर तो ये रहता है कि इंग्लिश टू इंग्लिश डिक्शनरी लें, क्योंकि जो
इंग्लिश टू हिंदी डिक्शनरियों में समटाइम्स चीज़ें कुछ और हो जाती हैं। ऐसा नहीं है कि वो डिक्शनरी बिल्कुल ही बेकार हैं, ऐसा नहीं कहूँगा मैं, वो भी डिक्शनरी काम की हैं, यूज़फुल हैं, मगर डिक्शनरी का सिलेक्शन बड़े हिसाब से करें। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सी डिक्शनरी को रखना चाहेंगे। इट डिपेंड्स ऑन योर कैपेबिलिटी, आपका जो नॉलेज लेवल है उसके हिसाब से। अब हर कोई इंग्लिश टू इंग्लिश नहीं रख सकता, उसका नॉलेज लेवल उतना नहीं है तो वो हिंदी टू इंग्लिश ही रखेगा। सो जस्ट चेक कि आपके लिए कौन सी डिक्शनरी यूजफुल हो सकती है, हैव दैट। एंड देन एंगेज इन कन्वर्सेशन, कन्वर्सेशन में एंगेज रहें। देखिए, मैं ये मानता हूं कि जितना ज्यादा आप कन्वर्सेशन करेंगे, लोगों से बातचीत करेंगे, उतना ज्यादा नए वर्ड्स आपके सामने आना शुरू हो जाएंगे। कई बार ऐसा होता है कि हमें वर्ड्स की नॉलेज होती है मगर वो हमारी जुबान पे नहीं आते। वाई? बिकॉज वी आर नॉट इन टू प्रैक्टिस ऑफ स्पीकिंग दोज वर्ड्स। सो द मोमेंट यू हियर समबडी यूजिंग अ पर्टिकुलर वर्ड, यू गेट टू नो, यू आर अवेयर, आपको भी लगता है कि आई शुड ऑल्सो यूज दिस वर्ड, मुझे भी इस वर्ड को यूज करना चाहिए। सो इट्स बेटर वेन एवर यू आर टॉकिंग टू एनी बडी यू बी अलर्ट, आप अलर्ट रहें और अवेयर रहें, जिससे कि आपको पता रहे कि हाँ ये वर्ड इस बंदे ने यूज किया है। वेन आई कन्वर्स विद एनी बडी नेक्स्ट टाइम आई एम गोइंग टू यूज दैट वर्ड, मैं उस वर्ड को यूज करने वाली हूँ। बहुत सारे वर्ड्स हमें ऐसे हैं जो आते हैं बट हमारी जुबान पर नहीं आते, और जब जुबान पर नहीं आते तो वो राइटिंग में भी नहीं आते, बाद में पता लगता है कि हम तो ये वर्ड्स भी लिख सकते थे यहाँ पर। सो अनटिल एंड अनलेस यू प्रैक्टिस दोस वर्ड्स, वो वर्ड्स आपकी ग्रिप में नहीं आएंगे। देखिए, पॉकेट में होना और ग्रिप में होना अलग बात है। यू हैव मैनी वर्ड्स इन योर पॉकेट्स बट डू यू हैव एन आर्ट ऑफ टेकिंग आउट दोज वर्ड्स फ्रॉम योर पॉकेट एंड यूज देम? या माइंड में बहुत कुछ पड़ा है लेकिन निकाल के कितना ला सकते हैं टाइम पे, वो भी इंपॉर्टेंट है। और वो जब ही पॉसिबल है जब आप प्रैक्टिस में इनको लाएंगे, इन वर्ड्स को प्रैक्टिस में लाएंगे। यूज न्यू वर्ड्स, ये होना चाहिए कि नए वर्ड्स का यूज। अब मैंने शायद पहले कभी आपको बताया हो, दोबारा बता देता हूं, हर बार कई मरतबा ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता, हाउ आर यू? और आप सोचिए, जितनी बार भी आपसे हाउ आर यू बोला गया होगा, आपने मोस्ट ऑफ द टाइम ये कहा होगा आई एम फाइन थैंक यू। कभी ये सोचने की कोशिश नहीं की कि आई एम फाइन की जगह कुछ और कह दिया जाए, हालांकि वो पता है आपको आई एम फाइन का सब्स्टिट्यूट क्या हो सकता है, मालूम है आपको, बट यू ऑलवेज से आई एम फाइन, यू नेवर से आई एम ग्रेट, ग्रेट, फैंटास्टिक। ये नहीं होता। तो नए वर्ड्स मे बी आपके पास हैं, मे बी आपके पास नहीं है, आपको पता होना चाहिए। बहुत सारे वर्ड्स जैसे कॉमरेड्स, क्रोनीज, नए वर्ड्स हैं, क्रोनीज फ्रेंड्स के लिए लगाते हैं, क्रोनीज, यू हार्डली यूज देम। क्यों? क्योंकि नए वर्ड्स हम खोजने की कोशिश नहीं करते ना। अगर नए वर्ड्स हम खोजने की कोशिश करेंगे तो नए वर्ड्स हमें मिलेंगे। कभी ही ये सोचो बैठ के कि फ्रेंड वर्ड के कितने सिनोनिम्स हो सकते हैं, एंड ट्राई टू नो ऑल द सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड फ्रेंड। आप बताइए, आपने कितनी बार बडी वर्ड यूज किया है राइटिंग में या स्पीकिंग में? इट्स फ्रेंड ऑल द वे, फ्रेंड। तो नए वर्ड्स का यूज करेंगे तो वो आपके ग्रिप में आएगा, प्रैक्टिस में आएगा। स्टडी न्यू वर्ड्स रेगुलरली, जो मैं बात अभी कह रहा था, नए नए वर्ड्स खोजना, नए नए वर्ड्स का पता लगाना। और आपके लिए जो वर्ड आपको नहीं आता है वो नया ही है। अभी मैंने जैसे आपको कहा था कि जो वर्ड आपको आता है दैट इज कॉमन फॉर यू, जो नहीं आता दैट इज अनकॉमन, नो मैटर उसको कितने भी लोग यूज करते हो, आपके सारे फ्रेंड्स उस वर्ड का मीनिंग जानते हैं, आप नहीं जानते हो। सो दैट वर्ड इज कॉमन फॉर देम बट नॉट फॉर यू। जब आप उसको जान जाते हैं तो वो आपके लिए कॉमन हो जाता है।
गो बैक टू द रूट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. वर्ड्स कैसे बन रहे हैं, कहां से उनको बनाया गया है. कई सारे वर्ड जो है लैटिन लैंग्वेज से बने हैं, ग्रीक लैंग्वेज से बने हैं, तो वहां उसका कॉनोटेशन क्या है, इंग्लिश में आके उसका कॉनोटेशन क्या है, अभी आप किस मीनिंग के साथ उसे यूज कर रहे हैं, यू शुड नो दैट. रूट्स उनके पता होना चाहिए कि वर्ड्स कैसे बने. प्रीफिक्स सफिक्स, प्रीफिक्स अगर आप करते हैं तो उसका मीनिंग क्या बन जाएगा, सफिक्स करते हैं तो मीनिंग क्या बन जाएगा, यू शुड नो दैट. जब आप वर्ड्स पढ़ें तो आपको पता रहना चाहिए कि ये वर्ड हम ऐसे बदल सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, मैं कुछ एग्जाम्पल भी दे देता हूं आपको. एक वर्ड है फ्रेंड. अब फ्रेंड की बात हो रही है तो फ्रेंड ही ले लेते हैं. फ्रेंड वर्ड कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, इज इट नाउन और एडजेक्टिव और एडवर्ब और व्हाट. ये नाउन है, नाउन है या नहीं है, नाउन है या नहीं है, ये नाउन है नहीं है, कैसे नाउन, ये नाउन कैसे है, नाउन कैसे है. फ्रेंड आप किसके लिए यूज करोगे, किसी पर्सन के लिए यूज करोगे, पर्सन के लिए यूज करोगे, एनिमल के लिए भी कर सकते हो, एनिमल को भी अपना फ्रेंड कह सकते हो आप. पर्सन या एनिमल के लिए करो, और पर्सन या एनिमल को क्या बोलते हैं, नाउन बोलते हैं ना, यस नो, ये नाउन है. अब क्या आपने कभी इस वर्ड का प्रीफिक्स जानने की कोशिश की, इसका प्रीफिक्स बना सकते हो आप, और जब इसका प्रीफिक्स आप बनाओगे तो वो कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच बनेगा, ये भी मैं जानना चाहूंगा आपसे. अगर मैंने इससे पहले बी लगा दिया, यानी वर्ड हो गया बी फ्रेंड, एंड दिस बी फ्रेंड इज यूज्ड एज वर्ब. आप कहते हैं मैंने उसको अपना दोस्त बनाया, तो इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, आई बी फ्रेंडेड हिम. आप इसको अभी तक शायद ऐसे यूज करते होंगे, आई मेड हिम माई फ्रेंड. द मोमेंट यू एड बी टू इट, आप इसमें प्रीफिक्स करते हैं, जैसे प्रीफिक्स करते हैं ये वर्ब बन जाता है बी फ्रेंड, एंड बी फ्रेंड का मतलब होता है मेक फ्रेंड, दोस्त बनाना. क्लियर. चलिए नाउ वी कम ऑन टू कॉनोटेशंस. कॉनोटेशंस पे अब हम आ रहे हैं. कुछ वर्ड्स आपके सामने आएंगे और उन वर्ड्स में आप देखेंगे कि उनका पॉजिटिव कॉनोटेशन क्या है और नेगेटिव कॉनोटेशन क्या है. कॉनोटेशन कहते किसे हैं, कम ऑन टेल मी, व्हाट इज कॉनोटेशन. मैंने पहले ही बताया आपको व्हाट इज कॉनोटेशन, जिसके साथ कोई आइडिया या फीलिंग जनरेट होती है, सजेस्टिंग ऑफ ए मीनिंग बाय ए वर्ड अपार्ट फ्रॉम द थिंग इट नेम्स और डिस्क्राइब्स. जो नाम, जो डिस्क्रिप्शन दिया है उसके अलावा एक अलग तरीके का मीनिंग सजेस्ट करता है, यानी एक आइडिया जनरेट करता है, एक फीलिंग जनरेट करता है, उसे कहते हैं कॉनोटेशन. इज दैट क्लियर. इंपॉर्टेंस ऑफ कॉनोटेशन, ये क्यों पढ़े हम, क्यों मालूम होना चाहिए हमें कॉनोटेशन के बारे में. इट गिव्स अस एन इंडिकेशन ऑफ द इमोशंस और एसोसिएशन दैट सराउंड ए वर्ड. एक वर्ड के चारों ओर क्या घूम रहा है, कौन सी फीलिंग्स घूम रही हैं, कौन से एसोसिएशंस उसके साथ हैं, ये जानने के लिए हमें कॉनोटेशंस के बारे में पता होना चाहिए. एक वर्ड कई सारे मीनिंग प्रोड्यूस कर सकता है, कई सारे कॉनोटेशंस दे सकता है, ये हमें पता होना चाहिए. अदरवाइज क्या होगा, हम उसका एक ही मीनिंग समझ के काम करेंगे, एक ही मीनिंग को माइंड में रखेंगे, दूसरा मीनिंग नहीं लाएंगे. जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया था आई लव यू का,
यू नेवर नो आपसे किसी ने कहा आई लव यू और आपने उसको कहां ले लिया. आपके माइंड में कॉनोटेशन कोई और चल रहा था, जिसने बोला उसके माइंड में कॉनोटेशन कुछ और था. वो अलग फीलिंग से बोल रहा है, आप उसकी अलग फीलिंग बना रहे हो, वो नहीं लेके कुछ और बना रहे हो. इसीलिए ये समझना जरूरी है कि कॉनोटेशंस यानी जो डिफरेंट आइडियाज फीलिंग्स एसोसिएट होती है वर्ड से, वो जानना जरूरी है. कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, ये थ्योरी वाली बात आप समझ ही चुके हैं अच्छे से, ठीक है. तो कुछ एग्जाम्पल लेते हैं. एक वर्ड है वर्वोस. अब देखिए यहां पर कंटेनिंग मोर वर्ड्स देन नेसेसरी, इसके आप देखिए ये मीनिंग इसका क्या है, एक है, सिंगल मीनिंग है. एलिक्वेंट, एलिक्वेंट किसे बोलते हैं, एक्सप्रेसिव, एक्सप्रेसिव लिखा है इसका मीनिंग, विविडली और मूविंगली एक्सप्रेसिव, इस तरीके से व्यक्त करना जिसमें एक अलग ही बात हो, सजीव चित्रण हो, सजीव विवरण हो. विविड, विविड मीन्स लाइवली. और वर्वोस जब हम वर्ड यूज करते हैं तो उसका मीनिंग होता है कंटेनिंग मोर वर्ड्स देन नेसेसरी, जरूरत से ज्यादा शब्दों का प्रयोग करना अच्छी बात है बुरी बात है. ये हमें नेगेटिव कॉनोटेशन दे रहा है भाई. कम्युनिकेशन का वन ऑफ द प्रिंसिपल्स क्या है, दैट यू हैव टू यूज लिमिटेड वर्ड्स, कंसाइजनेस, यू शुड बी ब्रीफ. इसका मीनिंग क्या है, कंटेनिंग मोर वर्ड्स देन नेसेसरी, इट हैज नेगेटिव मीनिंग. तो कॉनोटेशन कैसा आ गया, नेगेटिव आ गया. बट वेन यू से एलिक्वेंट, एक्सप्रेस करना विविडली, तो इसका कॉनोटेशन पॉजिटिव आ गया. उसी तरीके से देखिए सेकेंड वर्ड, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है सेकेंड, सेकेंड वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टेंच एंड एरोमा. हम फ्रेग्रेंस वर्ड यूज करते हैं, फ्रेग्रेंस क्या मतलब होता है उसका, सुगंध. एक वर्ड होता सुगंध और एक होता दुर्गंध. सुगंध और दुर्गंध के लिए कोई और वर्ड यूज करते हैं, खुशबू और स्मेल वर्ड इंग्लिश में यूज करते हैं. स्मेल अच्छी भी हो सकती है, स्मेल बुरी भी हो सकती है. स्मेल आपको लुभावनी भी लग सकती है और स्मेल आपको बाहर जाने के लिए मजबूर भी कर सकती है इस रूम से अगर यहां गंदी स्मेल आ रही है. दोनों वर्ड स्मेल के लिए यूज होते हैं ये दोनों वर्ड्स. अब स्टेंच वर्ड जो यूज होता है वो बुरी स्मेल के लिए होता है, बुरी स्मेल के लिए. स्टेंच वर्ड बुरी स्मेल के लिए यूज होता है. यहां सीबीएसई के स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, क्लास ट्वेल्थ में आपने कोई स्टोरी पढ़ी है याद करिए जहां पे स्टेंच के बारे में जिक्र है, बताइए बताइए. हाँ, शुड विजार्ड इट द मॉमी, वहां स्टेंच का जिक्र है, आपने पढ़ा है. और एरोमा, एरोमा क्या है, ए प्लेजेंट स्मेल, प्लेजेंट स्मेल, जो सुगंध है वो एरोमा है. तो आप देखिए दोनों सुगंध हैं, राधा दोनों स्मेल है, सुगंध नहीं कहेंगे, दोनों स्मेल है. एक नेगेटिव कॉनोटेशन है, एक पॉजिटिव कॉनोटेशन है, मगर दोनों ही वर्ड्स हम स्मेल के लिए यूज कर रहे हैं. अब नेक्स्ट वर्ड है देखिए, चीप. चीप, अ पर्सन हु हेट्स टू स्पेंड मनी. और एक वर्ड है थ्रिफ्टी, अ पर्सन हु इज वेरी केयरफुल विद मनी. भाई एक बंदा वो है जो पैसे खर्च करने से घृणा करता है और एक बंदा वो है जो बड़ा केयरफुल है पैसे खर्च करने में. पॉजिटिव मीनिंग किधर है, पॉजिटिव मीनिंग है
थ्रिफ्टी में. अ पर्सन हु इज केयरफुल विद मनी, हु इज वेरी केयरफुल विद मनी. अ पर्सन हु हेट्स टू स्पेंड मनी, जो पैसे खर्च करने से घृणा करता है, उसके लिए आप नेगेटिव कॉनोटेशन यूज करोगे. पैसे खर्च करने से घृणा करता है, क्या आदमी है, वहां नेगेटिव कॉनोटेशन लिया जाएगा. लेकिन एक पर्सन जो पैसे को केयरफुली खर्च करता है, उसको आप नेगेटिव नहीं लोगे, उसको पॉजिटिव लोगे. दैट्स अ पॉजिटिव साइन, दैट्स अ पॉजिटिव थिंग. यंग एंड यूथफुल, देखिए अ पर्सन हु इज ऑफ ए यंग एज. हाँ, अब यहां एक चीज और बताना चाहता हूं मैं, पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में एक न्यूट्रल भी होता है, जो पॉजिटिव साइड पे भी जा सकता है और नेगेटिव साइड पे भी जा सकता है. यंग, अ पर्सन हु इज ऑफ ए यंग एज, न्यूट्रल बात है, यंग एज न्यूट्रल वर्ड, न्यूट्रल वर्ड है यंग. और नेक्स्ट वर्ड है यूथफुल. अब यूथफुल का मतलब क्या होता है, अ पर्सन मे बी यंग, मे नॉट बी यंग, यंग हो भी सकता है, यंग नहीं भी हो सकता है, लेकिन उसके अंदर यूथ की सारी क्वालिटीज हैं. बूढ़ा है फिर भी जवान है, यूथ की सारी क्वालिटीज हैं. तो ये वर्ड आपको पॉजिटिव कॉनोटेशन दे रहा है, यंग वर्ड नेगेटिव नहीं है. लेकिन यंग वर्ड आप ओल्ड एज के साथ यूज भी नहीं कर सकते, मतलब यंग इज यंग, ओल्ड इज ओल्ड, वो बात अलग है, ओल्ड इज गोल्ड, that's a different thing. So the word young is not negative, neutral है, negative word नहीं है, ऐसा नहीं है उसमें negative sound आ रहा है, नहीं. But youth की बात जब हम करते हैं, youthful, तो इसका मतलब qualities of being young, जो हम किसी old aged person को भी attribute कर सकते हैं. So it has a positive connotation. अब उसके बाद तीसरा word इसमें है childish. चाइल्डिश, बड़ी बच्चों वाली बातें करते हो आप, ये किसी से कोई कह रहे बड़ी बच्चों वाली बातें करते हो, कैसा लगेगा, कैसा कॉनोटेशन आ रहा है इसमें, नेगेटिव कॉनोटेशन आ रहा है. यू आर वेरी चाइल्डिश इन बिहेवियर. अ पर्सन हु बिहेव्स लाइक ए चाइल्ड इन ए नेगेटिव वे, उसको हम चाइल्डिश कहते हैं. तो यहां कॉनोटेशन जो है वो कैसा है, नेगेटिव है. अब देखिए एक वर्ड है प्राउड. प्राउड का मतलब होता है टू हैव सेल्फ रिस्पेक्ट. ये न्यूट्रल है. अच्छा ये न्यूट्रल क्यों है, कम ऑन टेल मी, न्यूट्रल क्यों है, ये क्यों है न्यूट्रल, ये पॉजिटिव नेगेटिव नहीं है, ये न्यूट्रल है, क्यों, व्हाई, व्हाई टेल मी. मैं यहां एक बड़ा कंफ्यूजन है वो दूर करना चाहता हूं आप लोगों का. मैंने पता नहीं आप लोगों ने ये वर्ड यूज किया नहीं, मैंने कई लोगों को सुना है, हालांकि ये वर्ड कोई है ही नहीं डिक्शनरी में. प्राउडी, प्राउडी इज नो वर्ड. प्राउडी वर्ड इंग्लिश डिक्शनरी में एग्जिस्ट नहीं करता है, प्राउड वर्ड है. अब चलिए हम इस वर्ड को एक एक दफे के लिए सही मान लेते हैं, हालांकि सही नहीं है, आप इसे सही ना माने, लेकिन एक एक दफे के लिए हम इसको सही मान लेते हैं. आप प्राउडी वर्ड का इस्तेमाल कब करते हो, किस सिचुएशन में करते हो, नेगेटिव वे में करते हो या पॉजिटिव वे में, कम ऑन टेल, नेगेटिव में करते हो ना. और जब आप कहते हो आई हैव ए फीलिंग ऑफ प्राउड, आई एम प्राउड ऑफ यू, पॉजिटिव कॉनोटेशन है या नेगेटिव है, come on tell everyone, positive hai negative hai, positive connotation. But when you say he is proud, that's not proudy, proud, he is proud, that is negative connotation. To iska meaning kisi taraf ja sakta hai, after all iska jo वैसे literal meaning hai wo kya hai, to have self respect, self respect. ab ye self respect kai baar kya hota hai, negative ki taraf chali jati hai kai taraf, kai baar पॉजिटिव की तरफ चली जाती है, दैट इज व्हाई इट इज न्यूट्रल. ओके, कॉन्फिडेंट, कम ऑन, व्हाट अ पावरफुल वर्ड इट इज, कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंस वर्ड में कितनी बड़ी पावर है, इट्स अ पावरफुल वर्ड ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज.
कॉन्फिडेंट इज पॉजिटिव, मीनिंग वही है, प्राउड वाला ही मीनिंग है। कॉन्फिडेंट का सिनोनियम क्या है? प्राउड। लेकिन प्राउड कुड बी नेगेटिव और पॉजिटिव, कॉन्फिडेंट इज ऑलवेज पॉजिटिव। गॉट इट? नाउ थर्ड वर्ड इज कॉन्सीटेड। टू प्राउड ऑफ योर एबिलिटीज, बहुत ज्यादा प्राउड करना। जहां पर टू वर्ड लगा दिया, टी डबल ओ, टू प्राउड, कैसा कॉनोटेशन हो गया ये? नेगेटिव, ये नेगेटिव साउंड कर रहा है, यहां मीनिंग नेगेटिव है। नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज हेड स्ट्रॉन्ग। हेड स्ट्रॉन्ग का मीनिंग क्या होता है? विलफुल एंड डिटरमाइंड। विलफुल, विलफुल का मतलब इच्छा शक्ति से भरा हुआ, डिसाइडेड, डिटरमाइंड, नॉट इजली रेस्ट्रेन्ड, आसानी से कंट्रोल में ना आने वाला, इंपेशेंट, जिसमें धैर्य ना हो। व्हेन गिवन एडवाइस और सजेशन, जब उसको सजेशन या एडवाइस दी जाए, कोई सजेशन, अरे क्या सजेशन, आप अपने पास रखो, अपनी पॉकेट में रखो सजेशन। नेगेटिव साउंड कर रहा है या नहीं? इट्स नेगेटिव, हेड स्ट्रॉन्ग। लेकिन जो वर्ड डिटरमाइंड है वो भी विल पावर को रखता है। डिटरमाइंड वर्ड का मीनिंग भी हैविंग विल पावर एंड हैविंग ए डिजायर टू डू समथिंग। ये पॉजिटिव सेंस में है, हेड स्ट्रॉन्ग इज इन नेगेटिव सेंस। तो एक नेगेटिव कॉनोटेशन है और एक पॉजिटिव कॉनोटेशन है। यहां कौन सा कॉनोटेशन है ध्यान दें। अब नेक्स्ट वर्ड है स्ट्रॉनी। स्ट्रॉनी का मतलब होता है एक्सेप्शनली थिन, बहुत बहुत ज्यादा पतला होना, एक्सेप्शनली थिन, या बॉडी में, बॉडी साइज में कम होना, बहुत पतला होना, एक्सेप्शनली थिन, ये नेगेटिव साउंड करता है। और जब हम बोलते हैं सिलेंडर, सिलेंडर का मतलब होता है ग्रेसफुली थिन, पतला होना लेकिन अच्छा लगना, ग्रेसफुली, पतला है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है। अब पतला होने की डिग्री है ना, बहुत ज्यादा पतला है तो वो नेगेटिव कॉनोटेशन में जा रहा है, नेगेटिव सेंस में जा रहा है, और ठीक ठाक पतला है तो दैट्स पॉजिटिव। उसको हम लोग बोलते हैं फिट है, और जो फिट है वही हिट है। तो एक नेगेटिव कॉनोटेशन है, एक पॉजिटिव कॉनोटेशन। नेक्स्ट वर्ड क्रिपल्ड। क्रिपल्ड, क्रिपल्ड का मतलब होता है इनपरफेक्ट। हिंदी में हम इसको लाचार भी बोलते हैं, अपंग भी बोलते हैं, ऐसे वर्ड्स का यूज करते हैं, अपंग, लाचार, क्रिपल्ड, जो नेगेटिव साउंड करता है। लेकिन अगर हम इसको डिसेबल्ड बोल दें, डिसेबल्ड का मतलब यह है लिमिटेड बाई सम फिजिकल एलिमेंट कह सकते हो आप, या कोई डेवलपमेंटल कंडीशन के लिए भी रेफर हो सकता है। और आजकल गवर्नमेंट ने इसको डिसेबल्ड की जगह क्या बोल दिया है? स्पेशली एबल्ड। स्पेशली एबल्ड, स्पेशली एबल्ड पर्सन, दिव्यांग, अपंग वर्ड ना यूज करके अब दिव्यांग वर्ड यूज किया जाता है, स्पेशली एबल्ड। तो स्पेशली एबल्ड वर्ड जो है दैट इज हैविंग पॉजिटिव कॉनोटेशन। डिसेबल्ड, डिसेबल्ड है, एबिलिटी नहीं है। जैसे मैं आपको एक वर्ड और मेरे माइंड में आ गया तो मैं देना चाहता हूं आपको। एक वर्ड होता है वीक और एक होता है स्लो। ये दोनों सिनोनियम है? कम ऑन, जो वीक है वो स्लो होगा, जो वीक है वो स्लो होगा। अगर मैं कहूं कि एक स्टूडेंट पढ़ाई में वीक है तो उसको मैं कह सकता हूं पढ़ाई में स्लो है, यस नो? बोलो भाई, उसको स्लो बोल सकता हूं मैं? लेकिन देखिए दोनों सिनोनिम्स से वीक वर्ड का कॉनोटेशन क्या है? नेगेटिव है स्लो का,
पॉजिटिव है कैसे? स्लो ही तो है, कमजोर थोड़ी है। चैरिटी वर्ड आता है, चैरिटी, और एक वर्ड यूज होता है डोनेशन। दोनों एक ही चीज है, अलग अलग है, बताइए एक ही है? चैरिटी डोनेशन ही तो है, लेकिन इसमें डोनेशन वर्ड जो है वो न्यूट्रल है। न्यूट्रल कैसे है? एडमिशन लेने के लिए पैसे दिए, घूसखोरी, वो भी डोनेशन होता है। डोनेशन होता है वो, पॉजिटिव है नेगेटिव है? और डोनेट, आईज डोनेट की, ब्लड डोनेट किया, क्या है? पॉजिटिव कॉनोटेशन है। चैरिटी ऑन दी अदर हैंड इज ऑलवेज पॉजिटिव। कोई ये कहता है मैंने 2 लाख रुपए की चैरिटी दी एडमिशन लेने के लिए, चैरिटी इज ऑलवेज पॉजिटिव, इट हैज पॉजिटिव कॉनोटेशन। चलिए लेट्स मूव ऑन, ये एक्सरसाइज करनी है आप सबको, करा देते हैं, कुछ कुछ आप कर लीजिएगा, कुछ मैं कराता हूं अभी। देखिए इसमें कुछ वर्ड्स दिए हैं, गेज, लुक, स्टेडिली, स्टेयर। आपको इसमें पॉजिटिव कॉनोटेशन फाइंड आउट करना है। जरा देखिए इसमें टेक्स्ट में देखिए, और डेनोटेशन का मतलब होता है न्यूट्रल। डेनोटेशन मींस न्यूट्रल, जो न्यूट्रल है, नीदर पॉजिटिव नॉट नेगेटिव। अब इनमें बताइए कौन सा पॉजिटिव है, कौन सा नेगेटिव है? कम ऑन टेल मी, आप बता सकते हैं खुद ही। स्टेयर क्या है? नेगेटिव। और गेज क्या है? पॉजिटिव। लुक स्टेडली, अब लुक स्टेडली देखना, लगातार देखना या नियमित रूप से देखना, इसमें घूरना भी हो सकता है, इसमें घूरना नहीं भी हो सकता है, दोनों ही बातें। ब्रेन वॉश कैसा है? ब्रेन वॉश नेगेटिव। एंड परसुएड पॉजिटिव। परसुएड, परसुएड का मतलब किसी को अट्रैक्ट करना, अपने आइडिया की तरफ अट्रैक्ट करना, दैट सेज, दैट हैज अ पॉजिटिव साउंड। इन्फ्लुएंस वन वे और अनदर, वन वे और अनदर जैसे बोला तो इसका मतलब एक सही होगा एक गलत होगा, इधर नेगेटिव और पॉजिटिव। डिलेड, देर हो जाना। डिलेड, डिले वर्ड पॉजिटिव साउंड करता है, क्योंकि डिले वर्ड रेफर करता है एक ऐसी एनर्जी को जो पॉजिटिव एनर्जी है, कोई भी डिले कर सकता है। लेकिन जब हम बोलते हैं टार्डी तो इसका मतलब हो जाता है, ये रेफर करता है बीइंग डिलेड ऑन कंसिस्टेंट बेसिस, लगातार देर से आने वाला टार्डी। नॉट ऑन टाइम न्यूट्रल, न्यूट्रल है। Somewhat interested, nosy and curious. हम कहते हैं ना, he is curious to learn. Curious to learn, come on, positive. But nosy, nosy means one who is sort of negative in sense of being curious. Lazily, आलस के साथ, negative, आराम के साथ। आराम के साथ तो भाई, आराम के साथ आप लेजी हो भी सकते हो, नहीं भी, लेकिन मीनिंग दोनों में यूज होते हैं, लेजली वर्ड भी वही यूज होता है। सो लेजली हैज नेगेटिव कॉनोटेशन एंड लेजरली हैज गॉट पॉजिटिव कॉनोटेशन। आस्क फॉर समवन, डिमांड, रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट इज ए पॉजिटिव कॉनोटेशन, एंड डिमांड नेगेटिव, डिमांड करना किसी चीज की, दैट्स नेगेटिव। आस्क ऑफ समवन, दैट इज न्यूट्रल। Gathering a large group is neutral and gathering is positive, but mob is not. आपने mob word वहीं use होता है जहाँ fight वगैरह का जिक्र होता है। Julius Caesar पढ़ा है आपने? Julius Caesar, उसमें mob word का use हुआ है बहुत, Julius Caesar में, 10th में पढ़ा होगा, Shakespeare का Julius Caesar। Mob word का use वहीं अधिकतर होता है जहाँ violence fight की बात होती है, वहाँ जो भीड़ होती है उसके लिए ज़्यादातर use करते हैं। So that says a negative connotation. Discuss with others, debate and argue. Argue is negative and debate is positive. Debate का मतलब ये नहीं होता लड़ाई करना,
डिबेट का मतलब होता है टू डिस्कस ओवर सम इशू एंड दैट हैज अ पॉजिटिव वाइब और एनर्जी. ऑब्जर्व वॉच एंड स्पाई. स्पाई किसे कहते हैं? जासूसी करना. नेगेटिव और पॉजिटिव? नेगेटिव. एंड ऑब्जर्व दैट इज पॉजिटिव. वॉच इज न्यूट्रल क्योंकि वॉच कुछ भी हो सकता है. ऑब्जर्वेंस को भी रेफर कर सकता है और स्पाई वर्ड भी इसमें आ सकता है. एनी प्रॉब्लम? इस तरीके से आपकी एक्सरसाइज आ सकती है कि आपको इसमें पॉजिटिव कॉनोटेशन बताना है या नेगेटिव कॉनोटेशन बताना है. चलिए अब नेक्स्ट एक्सरसाइज इसको क्विकली कर लेते हैं. वो कैबरी में मैं चाह रहा हूं एक्सरसाइज ज्यादातर मैं करा दूं क्योंकि बाकी में आप थेरी है, आप अपने हिसाब से कर लेंगे समझने के बाद, बट यहां थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है. देखिए पहले सेंटेंस में है, आई रिकॉग्नाइज द फेमिलियर स्मेल ऑफ माई मदर्स कुकिंग. यहां हमें करना क्या है ये देख लीजिए. पहले यहां पर हमें क्या करना है डियर बताइए? सिनोनियम्स. In each of the following sentences, the italicized word has a fairly neutral connotation. For each word in italics, list two synonyms, words with similar denotations, one with a negative and the other with a positive. Dono hi batane. To aapke pehle hi aapko main bata chuka smell ke liye do words. Kaun se hain? Kaun se hain? Stench aur dusra aroma. Okay. Siddharth's interest in painting has turned into a hobby. Find out कीजिए इसको. ये आपके लिए है. Adventurous आपके लिए है. Old, adventurous, intimidated. Rather यहां पर assertive word है. अब एजर्टिव वर्ड के भी दो मीनिंग हो जाते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, दो वर्ड्स होते हैं. ये एक्सरसाइज आप करिएगा अपने हिसाब से. नेक्स्ट चलते हैं क्योंकि अभी बहुत सारी एक्सरसाइजेस करनी है इसलिए मैं थोड़ा क्विक चलना चाहता हूं. चलिए रीड ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस, डिसाइड फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट वेदर द स्पीकर इज शोइंग अप्रूवल और डिसअप्रूवल ऑफ द टॉपिक. यहां अप्रूवल है डिसअप्रूवल है ये चेक करना है. ये इंटरेस्टिंग है इसको कर लेते हैं. पहले वाली एक्सरसाइज वर्ड्स पे बेस्ड है वो आप कर लेंगे. This refrigerator is expensive, overpriced, but Soham did not mind paying extra because of the numerous useful features it has. बात में पॉजिटिव लग रहा है नेगेटिव लग रहा है? उसने कहा भाई जस्टिफाइड है ना. उसने कहा मैं ज्यादा पे कर सकता हूं. क्यों? क्योंकि फीचर्स अच्छे हैं. तो यहां पर overpriced word सही नहीं है इसी वजह से. कीमतों से ऊपर है हम ऐसा नहीं कहेंगे. एक्सपेंसिव है. एक्सपेंसिव वर्ड का कॉनोटेशन कैसा है? पॉजिटिव. और ओवरप्राइस का नेगेटिव. डिपेंडिंग अपॉन द सेंटेंस आप देखिए चेक करिए. नेक्स्ट शिव तोमर एंड हिज हैव कंट्रोल्ड द मैनेजमेंट इन दिस कंपनी फॉर ओवर 14 इयर्स नाउ. आई विश अरिंदम चटर्जी इज इलेक्टेड प्रेसिडेंट दिस टाइम. कौन सा वर्ड सही रहेगा यहां? इंप्लॉइज. कैसे? देखिए शिव तोमर एंड हिज हैव कंट्रोल्ड द मैनेजमेंट इन दिस कंपनी फॉर ओवर 14 इयर्स नाउ. यहां ये इंप्लॉयर और इंप्लॉइज की बात हो रही है क्या? पूरा सेंटेंस पढ़ के देखिए. ये शिव तोमर जो है ये क्या एम्प्लॉयर है? एम्प्लॉयर है. अगर ये एम्प्लॉयर है तो इनके लिए क्या वर्ड आएगा? आगे वर्ड क्या आएगा? एम्प्लॉइज. और अगर ये काम कर रहे हैं तो क्या वर्ड आएगा उस कंपनी के अंदर? क्रोनीज, फ्रेंड्स. होपफुली आई वोंट हैव टू शेयर ऑफिस स्पेस विद मिसेस सिंह. शी कैन बी वेरी. देख लीजिए नेगेटिव साउंड कर रहा है या पॉजिटिव? आई वोंट हैव टू शेयर. नेगेटिव है या पॉजिटिव है? नेगेटिव है तो क्या वर्ड आएगा? मैडम नोजी है.
प्लीज आस्क रोहित टू टर्न डाउन द वॉल्यूम, इट इज डिफिकल्ट फॉर मी टू कंसंट्रेट विद ऑल दैट म्यूजिक. थोड़ी है तो नॉइज है, उसको तो नॉइज लग रहा है ना, उसको म्यूजिक कहाँ लग रहा है. मिसेस नायर हैड बेटर बी वेरी ऑफ हिज न्यू नेबर मिस बैनर्जी, शी इज, यहां नेगेटिव है पॉजिटिव है, सावधान रहना चाहिए मैडम से, तो सावधान रहना चाहिए. इसका मतलब क्या, नेगेटिव कॉनोटेशन है. क्लेवर वर्ड पॉजिटिव कॉनोटेशन में यूज होता है, रादर न्यूट्रल में होता है. क्लेवर न्यूट्रल में जा सकता है, क्लेवर फॉक्स भी है ना, क्लेवर फॉक्स है ना. लेकिन क्राफ्टी का मतलब क्या है, मामला गड़बड़ है. क्राफ्टी, माई फ्रेंड कैन नॉट स्टैंड हर मदर, सॉरी, आई हैव ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर योर ब्रदर हु इज रादर एंटी सोशल. ये हवा में मत मारिए, इसको समझ के करिए. ऐसा मत करिए कि जस्ट किक कर दिया आपने, एयर में किक कर दिया बस हवा में. एंटी सोशल होना चाहिए, रिजर्व. एंटी सोशल क्यों नहीं हो, असामाजिक, या जो समाज को टाइम ना देता हो. एक तरफ आप रिस्पेक्ट वर्ड यूज कर रहे हो और उस दूसरी तरफ अगर एंटी सोशल लगा दोगे तो गलत नहीं हो जाएगा. रिजर्व, जो रिजर्व है वो एंटी सोशल हो सकता है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट बिकॉज सेंटेंस पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है इसलिए रिजर्व. माई फ्रेंड कैन नॉट स्टैंड हर मदर इन लॉ हु इज वेरी थ्रिफ्टी और मिजरली, शी हैज अ लॉट ऑफ मनी बट रिफ्यूजेस टू हेल्प अदर्स. नेगेटिव सेंस में है, पॉजिटिव में है. क्या आएगा, ओके. द न्यू सेल्स वुमेन टेंड्स टू बी एंथुजियास्टिक और पुशी. एंथुजियास्टिक में पॉजिटिव वाइब है, पॉजिटिव कॉनोटेशन है, और पुशी में नेगेटिव. व्हाइल डीलिंग विद कस्टमर शी इज स्केयरिंग देम अवे, सबको डराती है, नेगेटिव. सो पुशी, सिनोनियम्स एंड एंटोनियम्स करा देते हैं. और मैंने आपको पहले बताया था सिनोनियम्स में क्या होता है. वर्ड्स दैट हैव सिमिलर डेफिनेशंस और मीनिंग्स आर नोन एज सिनोनियम्स. दीज आर वर्ड्स दैट कैन बी यूज इंटरचेंजेबली विदाउट चेंजिंग द इंटेंडेड मीनिंग ऑफ द मैसेज. लुक एट द टू सेंटेंसेस गिवन बिलो. देखिए यहां पर लॉन्ग और लेंथी दोनों का मीनिंग एक ही है. लॉन्ग और लेंथी का मीनिंग एक ही है. लेकिन लेकिन क्या, आप आगे देखिए. आप सिनोनियम्स कैन जनरली बी यूज इंटरचेंजेबली विदाउट अ चेंज इन मीनिंग. कम ऑन, इसको जरा केयरफुली अटेंटिव होकर समझे इसे. विदाउट अ चेंज इन मीनिंग ऑफ द ओवरऑल मैसेज, हाउएवर इट मस्ट बी अंडरस्टूड. अंडरस्टूड व्हाट, that a synonym does not always carry a meaning that is exactly the same. ये बात यहां लिखी है, लेकिन fact of the matter is synonyms हर वक्त हर कंडीशन में एग्जैक्टली सेम नहीं होते हैं. ये फैक्ट है, बट इसको समझ ले आप. कई बार क्या होता है, मीनिंग वो कैरी नहीं होता जो होना चाहिए. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट नो टू वर्ड्स एवर मीन एग्जैक्टली द सेम. लुक एट दिस लाइन, लुक एट दिस लाइन. नो टू वर्ड्स एवर मीन एग्जैक्टली द सेम. There will be subtle differences in emphasis, suggestion or use. कुछ ना कुछ अंतर जरूर होता है. Got it? अब देखिए example दिया हुआ यहां पर. Take the words cost, charge, fee. ये तीनों words कहां use होते हैं, money matter में होते हैं. Charge word हम पैसे के लिए लगाते हैं, cost word हम पैसों के लिए लगाते हैं,
फी वर्ड हम पैसों के लिए लगाते हैं. ऑल आर यूज टू डिस्क्राइब मनी, यू पे फॉर समथिंग. हाउएवर ऑल थ्री हैव डिफरेंट कॉनोटेशंस और न्यूसेंसेस. तीनों के मीनिंग अलग हैं, दे आर नॉट एग्जैक्टली द सेम. अब देखिए, कॉस्ट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ मनी दैट यू नीड टू बाई, मेक और डू समथिंग. हाउ मच इज स्पेंड टू द बायर, वहां से क्या बनती है कॉस्ट. अब देखिए, एग्जाम्पल इज गिवन, द टोटल कॉस्ट ऑफ द ट्रिप वॉज 10,000 rupees. यू कैन गेट अ न्यू फोन एट द कॉस्ट ऑफ 3,000 rupees. दे प्रोटेस्ट अगेंस्ट द हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग. कॉस्ट का यूज समझ में आ गया यहां पर. अब आप आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए. चार्ज इज डिफाइंड एज एन अमाउंट ऑफ मनी दैट इज आस्क इन रिटर्न फॉर गुड्स और सर्विसेज. हाउ मच इज रिक्वेस्टेड बाई द सेलर. देर इज अ मंथली चार्ज ऑफ 1,000 rupees फॉर यूजिंग द लिफ्ट. देर इज एन एडमिशन चार्ज एट द क्लब. गॉट इट. फी इज डिफाइंड एज एन अमाउंट ऑफ मनी दैट यू हैव टू पे फॉर प्रोफेशनल एडवाइस और सर्विसेज. द ऑफिशियली सेट प्राइस. The lawyer charges a high fee for the services that he provides. These fees do not cover accommodation or meals. As you can see, cost, charge and fee have similar meanings, but there are slight differences present. Look at this. They can be used slightly differently. Therefore, it can be said that the words that are listed in a dictionary as synonyms cannot always be interchanged in the same context. अब मैं काम करता हूं, ये sentence जो है, there is a monthly charge. इस sentence में cost लगा के दिखाइए आप. लग जाएगा cost इसमें? इसमें cost लगा सकते हो आप? Come on, tell me. Can you say like there is a monthly cost of rupees 1,000 for using the lift? Can you say this? It is wrong. Yahan the suitable word hai, that is charge. Same way, ye ek dafe aap fee bol sakte hain, lekin fee bhi yahan isliye nahi bolenge kyunki yahan par aap total ki baat kar rahe hain. The leveled price ki baat kar rahe hain. Leveled price ke liye cost hai. जो लेबल्ड प्राइस होता है वो कॉस्ट होता है. आपने पढ़ा होगा कॉस्ट के बारे में इकोनॉमिक्स में. एंटोनियम्स. एंटोनियम्स आर डिफाइंड एज पेयर्स और ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स दैट आर नोशनली ऑपोजिट. बेटा माइंड इट, नोशनली ऑपोजिट मतलब नॉट एग्जैक्टली द सेम, nearly the opposite. Example, brave is the antonym of coward. It may be that there are numerous antonyms for a word. Example, evil, malicious, bad and corrupt, all are the antonyms of good. There are three types of antonyms. Teen tarike ke antonyms hote hain, samajh lijiye aap. Relational, graded and complementary. Relational, graded and complementary. ग्रेडेड एंटोनिम्स कौन से होते हैं? पेयर ऑफ वर्ड्स और पेयर्स ऑफ वर्ड्स हूज मीनिंग डोंट हैव एन इक्वल वेटिंग. जिसका इक्वल वेट ना हो, मतलब मीनिंग ग्रेड में हो, ग्रेड में. अभी इसका एग्जाम्पल आएगा आपके पास. देखिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहां दिया है, द वर्ड फेयर एंड इट्स एंटोनियम डार्क आर ग्रेडेड, ग्रेडेबल एंटोनियम. फेयर का एंटोनियम क्या है? अनफेयर भी हो सकता है, अनफेयर हो सकता है. अनफेयर को डार्क बोलोगे? अनफेयर को डार्क बोलोगे? एक फेयर है, एक फेयर नहीं है, तो अनफेयर उसको डार्क बोल दोगे? और जब डार्क बोल दिया तो उसकी डिग्री बता दी. अनफेयर होता उसकी डिग्री कुछ और हो जाती. व्हाट माय पॉइंट? फेयर का ऑपोजिट क्या है? डार्क है. अगर डार्क का ऑपोजिट आपसे पूछना हो मुझे, तो फेयर वर्ड के अलावा क्या बोलोगे? फेयर नहीं यूज करना है, डार्क. लाइट, ये तो बोलोगे.
तो यहां पर फेयर के लिए डार्क यूज हुआ है, इसका मतलब उसकी डिग्री बताई गई है, ग्रेड बताया गया, ग्रेडेबल एंटोनियम है। सच वर्ड्स हैव ग्रेड सच एज फेयर, डार्कर, अब इसका फेयर भी हो सकता है, डार्कर भी हो सकता है, और लेस डार्क भी हो सकता है। अब आप ये थोड़े कहोगे कि लेस डार्क है तो ये सिनोनियम नहीं होगा, ये डिग्री बताइए इसकी, ग्रेड बताया, लेस डार्क, मोर डार्क, इट्स इन ग्रेड। इफ समवन इज नॉट फेयर ही मे स्टिल बी नॉट डार्क, आगे एक्सप्लेनेशन, मे नॉट बी डार्क, सो दैट मीन्स यू आर टेलिंग द ग्रेड, एंटोनियम आप ग्रेड में दे रहे हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंटोनियम्स क्या होते हैं, जो ऑपोजिट होते हैं मीनिंग में, कॉम्प्लीमेंट्री आर ऑपोजिट। ईच वर्ड हैज ओनली वन एंटोनियम, फॉर एग्जाम्पल पुश पुल, पुश और पुल, ये कंप्लीट कंप्लीट एंटोनियम या कंप्लीट ऑपोजिट है, कॉम्प्लीमेंट्री बोलते। देन रिलेशनल एंटोनियम, रिलेशनल एंटोनियम्स जो रिलेशंस को शो करें, आप देखिए टीचर और स्टूडेंट, ये एंटोनियम वैसे नहीं है, वैसे एंटोनियम नहीं है, लेकिन हम टीचर के कॉन्टेक्स्ट में स्टूडेंट को एंटोनियम बोलते हैं, ये रिलेशन में हो गया एंटोनियम, इन रिलेशन हम एंटोनियम बता रहे हैं, फादर और मदर दोनों को हम रिलेशनल एंटोनियम बोलेंगे। लैंग्वेज इसी तरीके से है, हालांकि मैं ये मानता हूं कि टीचर्स को एंटोनियम पढ़ाते वक्त कुछ बातें बतानी चाहिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अक्सर मैं जिसका जिक्र भी करता हूं, क्लास में पढ़ाते वक्त टीचर बताता है राजा का उल्टा क्या है, भिखारी, इसका मतलब जो भिखारी है वो राजा नहीं हो सकता, ये अच्छी बात है सिखाना। दिन का उल्टा क्या होता है, रात, क्या दिन का उल्टा रात होता है, सोच के देखिए, अगर दिन नहीं होगा तो रात नहीं होगी, और रात नहीं होगी तो दिन नहीं होगा, तो उल्टे कैसे होगा। कैसे उल्टे हो, लेकिन लैंग्वेज के हिसाब से हमें इनको पढ़ना होता है, तो हम लैंग्वेज के नॉर्म्स के हिसाब से इसको पढ़ रहे हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन एट द सेम टाइम हमें ये भी समझना चाहिए कि जो मैंने पहले ही बात कही, एंटोनियम्स आर नॉट एंटोनियम्स, वो एक रूल बनाया गया, रूल के तहत चीजें हैं समझने के लिए, समझने के लिए वो चीजें हैं, क्योंकि अगर हम राजा और भिखारी का डिफरेंस बताने लग जाएंगे बच्चों को, तो फिर उसके दिमाग में ये बात आ जाएगी कि भिखारी कभी राजा नहीं बन सकता और राजा कभी भिखारी नहीं, राजा राजा है, भिखारी भिखारी है, ये चीज सेंस पैदा करना। एनीवे, कभी कभी हम एंटोनियम जो है प्रीफिक्स लगा के भी बना देते हैं, ये आपको पता ही है, जैसे लाइकली का अनलाइकली हो गया, सिमेट्रिकल का सिमेट्रिकल हो गया, एंटाइटी का नॉन एंटाइटी हो गया, डिसेंट का इनडिसेंट हो गया, ये इनमें आप देख रहे हैं हम प्रीफिक्स का यूज कर रहे हैं, इज दैट ओके। चलिए नेक्स्ट है, एडवांटेजेस ऑफ नोइंग सिनोनियम्स एंड एंटोनियम्स, क्या एडवांटेजेस है इसके, हेल्प्स अस टू एक्सप्रेस आइडियाज क्लियरली, हमें एंटोनियम सिनोनियम्स पता होते हैं तो हमारा एक्सप्रेशन की पावर बढ़ जाती है और क्लियर भी हो जाती है, बट टू अवॉइड मोनोटनी ऑफ एक्सप्रेशन टू, और जो एक्सप्रेशन की मोनोटनी है वो भी अवॉइड हो जाती है, क्योंकि जब हमारे पास वर्ड्स तर्कश, हमारे पास बहुत सारे तीर हमारे पास हैं, तो हम कोई भी तीर यूज कर सकते हैं, जिस तीर की जरूरत हो उसी तीर को यूज कर लेंगे, तो ये एक एडवांटेज रहता है इसमें, और ये रिड्यूस करता है रिडंडेंसी एंड टू कीप राइटिंग और स्पीच इंटरेस्टिंग टू द ऑडियंस, ऑडियंस के लिए बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है, रीडर्स के लिए बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है, जब आपके पास बहुत सारी वोकैब होती है, एंटोनियम सिनोनियम्स होते हैं, तो आप शब्दों का प्रयोग सिचुएशन के हिसाब से, लोगों के हिसाब से कर सकते हैं, जिस तरीके की ऑडियंस उस तरीके के वर्ड्स, जिस तरीके के रीडर्स उस तरीके के वर्ड्स।
चलिए अब ये कुछ सिनोनिम्स मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं, ये मुझे आपको याद कराने। पहला वर्ड क्या है? अबोर। अबोर वर्ड में जो लास्ट का एच ओ आर है उसको हम क्या साउंड करेंगे? अबोर। ये भोर कुछ कुछ शोर की तरह लग रहा है, मतलब इसको अगर राइम बनाएं तो क्या बन जाएगा? शोर। भोर से याद कीजिए क्या, भोर से क्या याद करना है? शोर। और शोर जो है वो मैं लाइक नहीं करता हूं, आई डोंट लाइक नॉइज। अबोर वर्ड से आप भोर लीजिए एंड भोर वर्ड से आप रिकॉल कीजिए शोर, एंड शोर आई डोंट लाइक, तो इसका मीनिंग क्या है? ठीक है, दैट्स द वे टू लर्न इट, ये तरीका इसको याद रखने का। अबोर वर्ड जैसी आए आप भोर वर्ड पे जाइए, अ को हटा दीजिए, भोर से शोर को रिकॉल कीजिए, और शोर जैसे ही आपको रिकॉल हो जाए आप कहेंगे आई डोंट लाइक नॉइज। डोंट लाइक मीन्स हेट, हेट इसका मीनिंग है। क्लियर? बॉम्बास्टिक, बॉम्बास्टिक वर्ड से इसमें बी ओ एम बी ले लीजिए केवल, बॉम्ब। जब बॉम्ब फटता है तो क्या होता है? तेज होता है ना, लाउड होता है वो, तो इसका मीनिंग क्या है? लाउड। बॉम्बास्टिक से बॉम्ब ले लीजिए और बॉम्ब से रिकॉल कर लीजिए लाउड। ओके, नेक्स्ट वर्ड है कैकोफोनी। कैकोफोनी में केवल फोनी वर्ड ले लीजिए, पी एच ओ एन वाई। हम फोनी उसे कह रहे हैं जो बहुत ज्यादा फोन करता है, और जो बहुत ज्यादा फोन करता है उसकी आवाज कैसी लगती? ये तो पका रखा है इसने, बार बार कॉल करता रहता है, उसकी आवाज आपको अच्छी लगेगी नहीं? जब बहुत ज्यादा वो फोनी हो जाएगा, ज्यादा फोन करेगा, तो आपको उसकी साउंड कैसी लगेगी? हार्श लगेगी। तो यहां से आप इसको कैकोफोनी में आप क्या याद रखेंगे? फोनी। फोनी मींस बहुत ज्यादा फोन करने वाला, और बहुत ज्यादा फोन करने वाले की आवाज हमें हार्श लगती है, राइट? ओके, जोवियल। जोवियल, जो से जो याद रख लीजिए, जो इज ए नेम। ये जो पर्सन जो है, ये बंदा जो है जो, ये बहुत खुश रहने वाला बंदा है, इज वेरी चेयरफुल। जोवियल वर्ड जैसे आए आपके माइंड में जो आ जाना चाहिए, जो नेम, एंड जो इज, सर ने कहा है, जो इज चीयरफुल, हैप्पी, जोवियल। डर्टी, डर्टी वर्ड का मीनिंग क्योंकि आपको पता है तो उसको हम इस पर टाइम स्पेंड नहीं कर रहे ज्यादा। वर्डेंट, वर्डेंट से ये वर्ड से बरामदा याद आता है ना, वर्डेंट वर्ड से बरामदा याद कर लीजिए, और हमारा बरामदा कैसा होना चाहिए? लश ग्रीन, हरा भरा, तो इसका मीनिंग है लश ग्रीन। ओके, ऑलराइट, नेक्स्ट वर्ड है डेस्टिट्यूट। डेस्टिट्यूट में ये ट्यूट वर्ड जो है इसको टूट पढ़ लीजिए आप, टूट। जो टूटा हुआ होता है वो कैसा होता है? नीडी और पुअर। डेस्टिट्यूट वर्ड में ट्यूट को याद रखिए और ट्यूट को टूट पढ़ लीजिए, टूटा हुआ बंदा पुअर होता है। इनसाइट, इनसाइट, साइट का मतलब होता है एग्जाम्पल, भरना, एग्जाम्पल देना, उदाहरण देना। अब उदाहरणों को अंदर डालना, कोई चीज जो अंदर डाल जाएगी आपके वो कैसी होगी? वो खतरनाक होगी। जो बाहर ओपन होगी वो बहुत अच्छी होगी। ओपनली अगर कोई बात करेगा तो इसका मतलब दाल में कुछ काला नहीं है, लेकिन कोई बात अगर इन, अगर बातें, साइटेशंस अंदर डाली जाएंगी तो इसका मतलब दाल में काला है, इसका मतलब भड़काया जा रहा है, इंस्टिगेट। इन साइट, साइट का मीनिंग होता है एग्जाम्पल्स या बातें, कोटेशंस, जो बातें इन, अंदर की तरफ डाली जाए, ओपन नहीं की जाए, इसका मतलब यहां पर कुछ ना कुछ धमकाने वाली बात हो रही है। सैंक्टी, सैंक्टी वर्ड से आप रिकॉल कीजिए प्लेंटी। प्लेंटी वर्ड, प्लेंटी का मीनिंग क्या होता है? बहुत अधिक। उसका ऑपोजिट क्या होता है? कम। इसका मीनिंग है कम, मीगर।
scanty वर्ड से आप रिकॉल करते हैं plenty, scanty और plenty साउंड करते हैं जैसे, और plenty का ऑपोजिट जो होता है वही इसका मीनिंग है. पेलिशियल, ये पेलिशियर, पहले, पहले से एक वर्ड है पैलेस. पेलिशियल में पी ए एल ए ले लीजिए, उससे एक वर्ड बनता है पैलेस. पहले पैलेस, पैलेस मतलब महल, महल जैसा. पेलिशियल मींस महल जैसा, लाइक पैलेस. इलिसिट, इलिसिट में केवल इन ले लीजिए, आई डबल एल, और इसका मीनिंग क्या है कि जब कोई चीज लीगल ना हो तो बुखार आ जाता है ना. When something is illegal, when something is unlawful, तो सिचुएशन ये आती है कि हर किसी को बुखार आ जाता है फिर उससे. When something is unlawful, कुछ अगर अनलॉफुल आप करते हैं तो क्या होता है, अनलॉफुल करेंगे तो क्या होगा, पनिशमेंट मिलेगा. पनिशमेंट मिलेगा तो क्या होगा, टॉर्चर होगा तो क्या होगा, जाहिर सी बात है आप इलनेस की तरफ जाएंगे. तो द वर्ड इलनेस इज वेरी मच कनेक्टेड टू दिस. फिसाइल, फिसाइल वर्ड से साहिल याद रख लीजिए. साहिल, 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 साहिल. और साहिल कैसे बनते हैं, बहुत सिंपल है. साहिल कैसे बनते हैं, बहुत सिंपल है. ठीक है, क्लियर. अभोर, एक बार रिपीट करेंगे. अभोर से आपने क्या वर्ड पिक किया, भोर. भोर साउंड करता है लाइक शोर. शोर आपको पसंद नहीं है, तो मीनिंग क्या है भोर का, एट. बॉम्बास्टिक से आपने वर्ड बनाया बॉम्ब. बॉम्ब लाउड होता है, इसका सिनोनिम लाउड हो गया. कैकोफोनी से फोनी ले लिया आपने, फोनी बहुत ज्यादा फोन करने वाला, हार्श. जोवियल, जोवियल से जो की इमेज माइंड में लाया, जो कैसा है बंदा, चेयरफुल है. वर्डेंट, वर्डेंट वर्ड से हमने बरामदा इमेजिन किया. हमारा बरामदा कैसा है, हमारा बरामदा लश ग्रीन है. डेस्टिक्यूट, ट्यूट वर्ड को टूट पड़ा, जो टूटा हुआ है वो कैसा है, पुअर है, नीडी है. इनसाइट, इनसाइट अंदर भरने वाला, इसका मतलब धमकाने वाला. इनसाइट जो इनसाइट करता है, उत्तेजना करता है नेगेटिव मीनिंग में. स्केंटी, यहां से हमने इसको कैसे याद कर रहे हैं, प्लेंटी से. प्लेंटी का ऑपोजिट ले लेना है. पैलेशियल, पहले, पहले से पैलेस, पैलेस लाइक. इलिसिट, इलिसिट में इल ले लिया, एकदम रिकॉल किया कि अगर कुछ लॉफुल नहीं है तो इसका मतलब वहां पर इलनेस आ सकती है. फिसाइल से हम साहिल साहब की इमेज लिया है. साहिल, साहिल कैसे हैं, साहिल सिंपल है, तो इसका मीनिंग सिंपल हो गया. क्लियर. अब ये सारा कुछ सिंपल हुआ या नहीं, ऐसे रिकॉल करना है. इमेजेस क्रिएट हो जाती है माइंड में तो याद रखना ईजी हो जाता है. चलिए, लेट्स मूव ऑन. अब नेक्स्ट वर्ड आ गया ऑब्लिटरेट. ऑब्लिटरेट, ऑब्लिटरेट, ऑब्लिटरेट. इस ऑब्लिटरेट से हम लेते हैं ओबे ग्रेट. ट्रेड रेट ग्रेट. अब ये लोकल लैंग्वेज में लोग बोलते हैं ओबे ग्रेट. ये ओबे वर्ड जब बोला जाता है, जब हमें नेगेटिव साउंड करना होता, बहुत अपने को महान समझता था, ओबे ग्रेट है ना, ओबे, ओबे मतलब ग्रेट था. अब नेगेटिव साउंड करेगा तो ग्रेट का उल्टा क्या होगा, बर्बाद हो गया, ये बर्बाद हो गया, डिस्ट्रॉय. सिनोनिम्स निकाल रहे हैं हम यहां. अब देखिए नेक्स्ट वर्ड है माइरिड. माइरिड, माई री, री से रिकॉल करिए रियल. माइरिड को माई री, री रियल, माई रियल, माई रियल, माई रियल. अब माई रियल से एकदम से सिस्टर्स की इमेज माइंड में लाइए. माई रियल सिस्टर्स, मेरी रियल सिस्टर्स बहुत सारी हैं. माई रेड, माई रियल एंड देन सिस्टर्स, एट द वर्ड सिस्टर्स, मैनी, आई हैव मैनी सिस्टर्स. परपीचुअल, पर पे चल, परपीचुअल चल, पर पे
चल, यानी जहां चल रहे हो उसके ऊपर से चल, चलते रहना, इसका मतलब कॉन्टिन्यूस, चल, टू बी कॉन्टिन्यूड, पर पे चल मींस पर पे चल, चल के ऊपर चल, दैट मींस कॉन्टिन्यूस. फिशर, फिशर वर्ड से इमेज लाइए प्रेशर, साउंड दोनों, शर प्रेशर, फिशर प्रेशर. जब मैंने आपको प्रेशर दिया तो आपने शुरुआत की पढ़ाई की. व्हेन आई पुट प्रेशर ऑन यू, यू स्टार्टेड और यू ओपेंड योर वे, आपने शुरुआत करी. फिशर प्रेशर, व्हेन प्रेशर वॉज गिवेन यू यू ओपेंड, आपने स्टार्ट किया. डेस्पोट, डेस्पोट, डेस्पोट साउंड करता है द स्पॉट, डेस्पोट द स्पॉट. ये वो स्पॉट है जहां पर हमें एक ऐसा बंदा मिला जो क्रूअल है, क्रूअल, द स्पॉट. आप यहां पे इमेज लाएंगे कि हम ऐसे स्पॉट की बात कर रहे हैं जहां पर हमें एक बंदा मिला जो टायरेंट है, क्रूअल है, अत्याचारी है, ठीक है, द स्पॉट. क्लियर, ओके, नेक्स्ट. अब हमें एंटोनियम्स निकालना है, लेकिन मैं सिनोनिम्स बता रहा हूं आपको. रिमोर्स, रिमोर्स से रिमोट, कुछ ऐसा साउंड करता है ये. रिमोर्स, रिमोट, रिमोर्स, रिमोट, ऐसे इमेजिन कीजिए, रिमोर्स, रिमोट. जब मेरा रिमोट गायब हो गया तो मैं कपिल शर्मा शो नहीं देख पाया और फिर मुझे इसका बड़ा पछतावा हुआ. क्या हुआ? पछतावा, रिपेंटेंस. रिमोर्स का मीनिंग है पछतावा, रिपेंटेंस. पछतावा हुआ तो पछतावा का ऑपोजिट क्या है? पछतावा मतलब दुखी होना, और दुखी होने का मतलब क्या है? ये जो को भूल गए क्या आप लोग? जो, जो कैसा है? खुश. तो जोवियल इसका ऑपोजिट हो गया. इसका ऑपोजिट क्या है? जोवियल, जो से जोवियल. अब नेक्स्ट वर्ड है डिस्पैरेज, 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 डिस्पैरेज. पैरेज का अगर हम एक वर्ड लें जो इसका राइम करता है तो हम इसका वर्ड ले लेते हैं मैरिज. दिस पैरेज, पैरेज साउंड्स लाइक मैरिज, पैरेज मैरिज कर रहे हैं ना. ये जो मैरिज थी, ये मेरे ऊपर मत लेना, इसने मुझे डिफेम कर दिया, बदनाम कर दिया. यानी किसी की मैरिज कराई तो उसने क्या किया? डिफेम कर दिया. अब डिफेम कर दिया मतलब बदनाम कर दिया. अब बदनाम करने का ऑपोजिट होता है, बदनाम कर दिया मतलब उसका ऑपोजिट क्या हुआ? इज्जत दे दी. तो उसके लिए वर्ड आता है यूलोजाइज. यूलोजाइज मींस इज्जत देना, रिस्पेक्ट देना, ठीक है. तो डिस्पैरेज को दिस मैरिज से कनेक्ट करेंगे. ये मैरिज जो मैंने कराई थी इससे मुझे डिफेम मिला, ये इसका मीनिंग हो गया, और इसका ऑपोजिट हो गया यूलोजाइज. ओके, वैक्स, वैक्स साउंड्स लाइक क्रैक्स. एक बच्चा क्रैक्स के लिए बड़ा परेशान होता है, क्रैक्स मिल जाए उसे, और जब उसे क्रैक्स नहीं मिलता है तो वो कैसा हो जाता है? परेशान, बेचारा हो जाता है, वो परेशान हो जाता है, क्रैक्स नहीं मिला. वैक्स साउंड्स लाइक क्रैक्स, और बच्चे को जब क्रैक्स नहीं मिला तो वो बेचैन हो गया, परेशान हो गया. और परेशानी का ऑपोजिट क्या है? परेशान होगा, खुश हो गया, एम्यूज्ड, ऑपोजिट. वैक्स क्रैक्स, क्रैक्स नहीं मिला बच्चे को तो वो परेशान होने लगा, और परेशानी का उल्टा यहां पर हो गया एम्यूज्ड. नोविस, नोविस में से नो ले लीजिए केवल, नो. एक बंदा इंटरव्यू देने गया, उसको नो मिला, मतलब उसको मना कर दिया गया, नो यू आर नॉट अपॉइंटेड. क्यों कहा गया? क्योंकि वो फ्रेशर था, क्योंकि वो फ्रेशर था. फ्रेशर का उल्टा क्या हो गया? एक्सपीरियंस. नोविस का मतलब फ्रेशर, बिगिनर, और इसका उल्टा हुआ एक्सपीरियंस्ड, ऑपोजिट एक्सपीरियंस. सो नोविस को नो से कनेक्ट करेंगे. नो किस सेंस में? जब वो इंटरव्यू देने गया तो उसको नो कहा गया. नो क्यों कहा गया? क्योंकि वो बिगिनर है, इनएक्सपीरियंस्ड है, इसका उल्टा हो गया एक्सपीरियंस्ड.
प्रॉपर्टी 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 इसमें प्रॉप वर्ड ले लीजिए, प्रॉप से प्रॉपर वर्ड को लाइए माइंड में, प्रॉपर, प्रॉपर का उल्टा होता है इनप्रॉपर, जिसको इनडिसेंसी भी बोलते हैं, इनडिसेंट, डिसेंट मतलब प्रॉपर, इनडिसेंट मतलब नॉट प्रॉपर, इनप्रॉपर। चलिए लेट अस रिवाइज इट। ऑब्लिटरेट, ओबेग्रेट मतलब कहानी खराब, इसका मतलब क्या हो गया, डिस्ट्रॉय, बर्बाद हो गया वो। माय रेट, माय रियल, रियल सिस्टर्स मैनी है। परपीचुअल, पर पे चल मतलब चल के ऊपर चल, कॉन्टिन्यूस। फिशर, फिशर से प्रेशर, प्रेशर दिया तो क्या हुआ, शुरुआत हो गई। डेस्पोट, डेस्पोट मींस द स्पॉट, द स्पॉट ये वही स्पॉट है जहां पर हमें कौन मिला, क्रूअल बंदा मिला, टायरेंट। ओके, देन रिमोर्स, रिमोर्स साउंड्स लाइक रिमोट, जब रिमोट नहीं मिला, कपिल शर्मा शो चला गया तो क्या हुआ, पछतावा हुआ, पछतावा हुआ, उसका अपोजिट जॉवियल है। डिस्पैरेज, डिस्पैरेज डिसमैरेज, ये मैरिज कराई तो क्या हुआ, बदनामी मिली, डिफेम, इसका मीनिंग है, सिमिलर मीनिंग, मीनिंग इज ऑलवेज। वैक्स, वैक्स, वैक्स साउंड्स लाइक क्रैक्स, बच्चे को क्रैक्स नहीं मिला, परेशान हो गया। नोविस, नोविस से हमने नो वर्ड लिया, नो किसको सुनने को मिलता है इंटरव्यू में, जो एक्सपीरियंस ना हो। एंड प्रॉपर्टी मींस, यहां हमने वर्ड लिया प्रॉपर, प्रॉप से प्रॉपर, प्रॉपर मींस डिसेंट, और प्रॉपर का उल्टा इम्प्रॉपर, और डिसेंट का उल्टा इनडिसेंट, या इनडिसेंसी, इसका मीनिंग। वी स्टॉप हियर।